अरे भाई, तुम तो आते शुरू हो गई। आराम से हफ्ता 10 दिन तो लो, इतनी जल्दी क्या है? अरे इतनी तो मैंने छुट्टियां भी नहीं ली थी। अच्छा सुनो, सर से कहो कि ईमेल चेक कर ले। हाँ वो मैं कह दूंगी, लेकिन ये देखो यार, तुम इसको जरा चेक कर लो। एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी भाभी, आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन आपके दफ्तर के बाहर था। मेरे ऑफिस में? लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा ऑफिस कहाँ है? भाई आखिर मेरे करीबी दोस्त की बीवी है, इतना भी नहीं जानता मैं। अच्छा ठीक है, आप रुके, मैं आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाभी, ये कुछ फ्रूट से सोचा मैं आपको दे आऊं। यासिर भाई, सीरियसली इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऑफिस तो यही पास में ही है, मैं कौन सा इतने दूर से आया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं रख सकती। भाभी वो मैं पहले से उदास हूं, अगर आप लोग कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो फिर कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। अच्छा भाभी, वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, कहिए। क्या आप उससे पूछेंगी कि वो मुझे माफ क्यों नहीं करता? यासिर भाई, मैं खुद अफान से बात करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए आप लोगों के बीच में। अरे भाभी आप बीवी हैं उसकी, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी हुई है? भाभी एक बार उसे दोबारा पूछ लें, ताकि एटलीस्ट उसे एहसास हो कि वो ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं करूंगी बात। इसके लिए शुक्रिया। अरे नहीं, कोई मसला नहीं, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता मुझे। थैंक यू। मेरी समझ से बाहर है, ये फाइल आज तक यहां से बाहर नहीं गई, तो फिर सारा डेटा जितने भी सिस्टम है सबको अपग्रेड कराओ। मुझे किसी भी किस्म का कॉन्फिडेंशियल डेटा फाइल में अब नहीं चाहिए। नो दिस इज रिडिकुलस यार। क्या हुआ, आप कोई टेंशन है? हाँ यार, ऑफिस के मसले चलते ही रहते हैं। उस दिन जब तुम अपनी डिग्री तलाश कर रही थी, ये फाइल वहीं स्टडी में थी ना? अमीन तुम्हारी नजर पड़ी थी, ये फाइल स्टडी में ही थी? हाँ मैंने फाइल देखी थी और फिर गायब भी कर दी, और अगले दिन लाकर वापस भी रख दी। पागल वो तो मैं हूं।